सो हे गाइस, यहाँ पे देखो गरेना फ्री फायर की तरफ से अपना ऑफिशियली वीकली शेड्यूल निकल के आ चुका है। यानी यहाँ पे गरेना ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि आने वाले टाइम के अंदर हमारे फ्री फायर में कौन कौन से इवेंट आएंगे। और आपको पता होगा कल हमारे गेम के अंदर एक एक्सचेंज इवेंट आने वाला है जहाँ पे हम लोग ब्लू प्रिंट को और इवोल्यूशन स्टोन को एक्सचेंज कर पाएंगे। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि ये जो एक्सचेंज इवेंट होगा उसके अंदर से हमें बंडल और गन स्किन कैसे मिले? यही नहीं गाइस, आज मेरे पास बहुत सारी अपडेट है और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि आज का टू नेट अपडेट क्या है। टोटली गाइस ये जो आज का वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा खास होगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो को मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि भाई सुबह मुझे किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज के टू नेट अपडेट की। तो गाइस कल हमारे गेम के अंदर आपको टोटल दो न्यू इवेंट देखने को मिलेंगे। अगर बात करें पहले इवेंट की, तो पहला इवेंट होगा अपना मोको स्टोर, जिसका आप लोग ऑफिशियली इंटरफेस वगैरह देख सकते हो। ये वाला मोको स्टोर इवेंट कल अपने गेम में आएगा और इस मोको स्टोर में होगी अपनी MP5 की स्किन। अब यार मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो MP5 की स्किन है गरेना उसे फ्री में देगा, लेकिन भाई ये तो डायमंड में दे दिया। बाकी गाइस ये वाला MP5 का मोको स्टोर इवेंट कल अपने गेम में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोग MP5 की स्किन को मोको स्टोर के अंदर से कल निकाल पाओगे। बात करें अगर कि कल हमारे गेम के अंदर दूसरा कौन सा इवेंट आएगा, तो कल अपने गेम में दूसरा इवेंट आएगा अपना एक्सचेंज इवेंट। कल ही हमारे गेम के अंदर आएगा एक्सचेंज इवेंट जहां पे आप अपने ब्लू प्रिंट को और इवोल्यूशन स्टोन को एक्सचेंज कर पाओगे। इवोल्यूशन स्टोन और ब्लू प्रिंट को एक्सचेंज करने के बदले में अपने को जो गाइस डिनो बंडल है वो मिलने वाले है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये है कि भाई आखिर कितने इवोल्यूशन स्टोन लगेंगे और कितने ब्लूप्रिंट लगेगी। तो देखो गाइस इवेंट के बारे में मुझे कंफर्म तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक छोटी सी अपडेट मिली हुई है। अभी ये अपडेट कितनी झूठ है या फिर कितनी सच है वो तो कल ही पता चलेगा। बंडल को एक्सचेंज करने के लिए आपके पास एक इवोल्यूशन स्टोन होना चाहिए और साथ में आपके पास एक ब्लूप्रिंट होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपके पास है तो आपको मिलेगा एक क्रिस्टल टोकन, और क्रिस्टल टोकन का ही तुम लोग यूज करके बंडल है ठीक है रिवॉर्ड है उससे एक्सचेंज कर पाओगे। और हाँ गाइस आपके पास कोई भी ब्लूप्रिंट हो ठीक है वो चलने वाली है। अब यार एक्सचेंज रिवॉर्ड के रिगार्डिंग मेरे पास यही अपडेट थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। बाकी भाई कल ही पता चलेगा कि भाई डिनो बंडल आखिर हमें कैसे मिलेंगे। ओके तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस यहाँ पे देखो गरेना की तरफ से ऑफिशियली फ्री इवेंट का वीकली शेड्यूल निकल के आ चुका है, जिसमें आने वाले 19 तारीख को एक मिशन इवेंट दिया जाएगा जहाँ पे आपको कुछ छोटे मोटे मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बदले में गाइस ये जो आप लोग नेड की स्किन को देख रहे हो, ये नेड की स्किन आप सभी को फ्री में मिलने वाली है। आपको याद होगा ठीक है मैंने बहुत बार आपको बोला है कि ये जो नेड की स्किन है वो फ्री में मिलने वाली है, तो यहाँ पे भाई अब तो गरेना की तरफ से ऑफिशियली कन्फर्म भी हो गया। बाकी आने वाले 19 तारीख को छोटे मोटे मिशन को कम्प्लीट करके ये वाली नेड की स्किन को ले लेना, क्योंकि नेड की स्किन का जो एनिमेशन है वो बहुत ही बढ़िया सा है। फिर यार 19 तारीख यानी उसी दिन एक छोटा मोटा मिशन इवेंट आएगा जहाँ पे आपको वेपन रोल का वाउचर, गोल्ड रोल का वाउचर और एक गन का क्रेट मिल जाएगा। फ्री रिवॉर्ड वाले इवेंट की तरह डायमंड वाले इवेंट का भी वीकली शेड्यूल आ चुका है जो कि आप लोग यहाँ पे देख लो, जिसमें सबसे पहले 15 तारीख को ग्लू वॉल की स्किन का मोको स्टोर इवेंट आने वाला था जो कि ऑलरेडी हमारे गेम में आ चुका है। इसके बाद 16 तारीख को यानी आज ही के दिन अपने गेम के अंदर न्यू टॉप अप इवेंट आने वाला था, जिसके अंदर पेट की स्किन और कटाना की स्किन आने वाली थी जो कि ऑलरेडी आज आ चुका है। फिर इसके बाद 17 तारीख को यानी कल अपने गेम में आने वाला है मोको स्टोर, जिसमें आएगी अपनी MP5 की स्किन। इस वाले मोको स्टोर इवेंट के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया है। फिर इसके बाद आने वाले 19 तारीख को अपने गेम में आएगा एक न्यू फेडल व्हील, और इस फेडल व्हील के अंदर आएगा अपना न्यू स्कॉर्पियो इवो बंडल। आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि जो अपना न्यू इवो बंडल है वो आने वाले 19 तारीख को आएगा, तो यहाँ पे भाई अब तो गरेना की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म भी हो गया है। बाकी यार जो भी इवो बंडल को निकालना चाहते हो आने वाले 19 तारीख से आप लोग इसे फेडल व्हील के अंदर से निकाल पाओगे और फिर इसे अपग्रेड कर पाओगे। इस वाले इवो बंडल को अपग्रेड कैसे करना है और लुक चेंजर कैसे मिलेगा वो तुम्हें जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो। और हमारे गेम के अंदर कौन सा इवो बंडल रिटर्न में आएगा वो तुम्हें जानना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।